السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى جميع من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن ياتي أحدكم الموت فيقول فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول العبد مالي مالي وإنما له من ماله ثلاث ما أكل فأفنى أو لبس فأبلى أو أعطى فأقتنى

आज के दर्ज का अनुमान है दुनिया के माल से इंसान को क्या मिलता है दुनिया के माल से इंसान को क्या मिलता है इंसान दुनिया में माल कमाने के लिए बहुत कोशिश करता है बहुत मेहनत करता है लेकिन इंसान को दुनिया के माल से सिर्फ उतना ही हिस्सा मिलता है जितना उसकी नसीब में लिखा होता है और इसी तरह मोहम्मद वसल्लम ने एक हदीस के अंदर बयान फरमाया किसी भी नफ्स को उस वक्त तक मौत नहीं आती किसी भी इंसान को उस वक्त तक मौत नहीं आती जब तक वो अपने हिस्से की रोजी हासिल नहीं कर लेता अम्मा रहमहुल्लाह ने इसको सही करार दिया और दूसरी बात यह कि माल कमाना ये दुनियावी ज़िंदगी की ज़रूरत है मकसद नहीं है अगर कोई शख्स इस दुनिया के अंदर रहते हुए माल कमाने को अपनी ज़िंदगी का मकसद समझ ले और हलाल और हराम की तमीज़ छोड़ दे उसकी दुनिया भी बर्बाद हो जाएगी और आखरत भी बर्बाद हो जाएगी तो माल कमाते हुए ये समझना चाहिए कि ये माल दुनियावी ज़िंदगी की ज़रूरत है और इस ज़रूरत के हिसाब से हमें माल कमाना है और अगर कोई आदमी ये चाहता है कि माल कमाते हुए व गमराही का शिकार ना हो माल कमाते हुए वो गुमराह ना हो जाए तो उसे मोहम्मद अलैहि वसल्लम की वह हदीस याद रखनी चाहिए जिसके अंदर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क़यामत के पाँच सवाल का तस्करा किया उन सवालत में से दो सवाल माल से मुत्ल हैं कोई भी शख्स अगर माल कमाता है तो उन दोनों सवालों को याद रखते हुए अगर कमाएगा तो गुमराह नहीं होगा वो तो सवाल क्या हैं कि कियामत के दिन माल के बारे में दो तरह के सवाल किए जाएँगे मिन आय तसबहू वफ़ीम अनफ़ माल कहाँ से कमाया और माल कहाँ खर्च किया हलाल तरीक़े से अगर वो कमाता है और हलाल रास्तों में खर्च करता है तो गुमराही से बच जाएगा लेकिन हलाल तरीक़े को छोड़ दिया कमाने में और ख़र्च करने में तो दुनिया के अंदर भी जरील हो जाएगा मरने के बाद भी कामयाब नहीं हो सकता है जो सवाल मैंने मंतखब किया है उसका जवाब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस रवायत में दिया है जिसके राव अबूरे रजील तु है वह बयान करते हैं कि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया फरमायाकुल माली, माली एक इंसान पूरी जिंदगी कहा करता हाय मेरा माल हाय मेरा माल मिन इहु सरास उसके बाद अल्लाह के नबी अलैहि वसल्लम ने उसके माल से जितना भी वो कमाता हो जितना भी वो बड़ा मालदार हो उसके माल से सिर्फ तीन चीजें मिलती हैं मा अकल जो खाया और खत्म कर दिया लबिसा या पहना और पुराना कर दिया या अल्लाह के राम सदका खैरात किया और उसे महफूज कर दिया आखरत के लिए व मा सेवा और इसके अलावा माल दो भी बचता है वो बर्बाद होने वाला है या उसके वसा आपस में उसको बांट लेने वाले फहआबन व तारिकास जो भी माल बचेगा उसके मरने के बाद या तो वो बर्बाद हो जाएगा या उसके वरसा होंगे आपस में लड़ झगड़ करके उसको बांटेंगे खाएंगे तो इस हदीस के अंदर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़ी अहम बात बयान फरमाई है अगर वो बात समझ में आ जाए तो माल के लिए हम जो आपस में लड़ते और झगड़ते हैं हमारा लड़ना झगड़ना खत्म हो जाएगा कोई कितना भी बड़ा मालदार क्यों ना हो उससे तीन ही चीजें मिलेंगी मा अकला फाफना जो खाया और ख़त्म कर दिया कोई पचास रुपए का खाना खाता है टाइम के अंदर उसका पेट भर जाता है कोई पाँच सौ का खाता है पाँच सौ में अपने पेट घोबरता है कोई एक ही वक्त में पाँच हज़ार का खाना खाता है लेकिन जो भी खाना खाता है वो ख़त्म होने वाला है पचास रुपए का खाया तो भी ख़त्म हो जाएगा पाँच सौ का खाया तो भी ख़त्म हो जाएगा पाँच हज़ार का खाया तो भी खत्म हो जाएगा ऐसा नहीं कि एक टाइम में आपने पाँच हज़ार का खा लिया तो अब पूरा महीना आपको खाने की ज़रूरत नहीं एक टाइम में आपने पाँच सौ का खा लिया तो दो चार दिन अब खाने की ज़रूरत नहीं है जिसने पचास रुपए का खाया उसका भी मामला वही है जिसने पाँच सौ का खाया उसका भी ख़त्म होने वाला है और जिसने पाँच हज़ार का एक वक्त में खाना खाया उसका भी ख़त्म होने वाला है उसके बाद दूसरे नंबर पर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया अवी सफा अबला या उसने उसनेमदा कपड़ा ख़रीदा उमदा लिबास ख़रीदा कोई आदमी दो सौ का लिबास ख़रीद के पहनता है कोई पाँच सौ का पहनता है कोई पाँच हज़ार का पहनता है कोई पचास हज़ार का भी पहनता है लेकिन वो कपड़ा जो पहनता है इंसान पुराना हो जाता है दो सौ रुपये वाला भी पुराना हो जाता है इंसान उसको फेंक देता है पाँच सौ रुपये वाला भी पुराना हो जाता है पाँच हज़ार वाला भी पुराना हो जाता है पचास हज़ार वाला भी पुराना हो जाता है और देखने में ये आता है जितने ज़्यादा मालदार लोग जितने ज़्यादा कीमती कपड़े पहनते हैं उनके कपड़े उतने जल्दी पुराने होते हैं उतने जल्दी वो रिजेक्ट करके उसको ख़त्म कर देते हैं ये तो हमारे पास पुराना हो गया आप दूसरा पहनेंगे ये गरीब आदमी एक मरत चलाता है कई कई साल उसको चलाता है किसी तरह से पहनता रहता है तो इस हदीस के अंदर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तीसरी बात बयान फरमाई कि जो आदमी अल्लाह की राह में खैरात करता है सदका करता है उसे क़यामत के लिए महफूज कर लेता है और आख़रत के लिए महफूज कर लेता है इससे पता चलता है कि हमें और आपको चाहिए कि हम खाने में जिस तरह पैसों को इस्तेमाल करते हैं अपने कपड़े पहनने में इस्तेमाल करते हैं उसी तरह अल्लाह की राह में खर्च करें अल्लाह की राह में सदका करें क्योंकि ये खाना और कपड़ा तो ख़त्म हो जाता है हमारे साथ जो भी माल जाएगा वो सदके की शक्ल में जाएगा जो भी खैरात देते वही जाने वाला है लेकिन शैतान खैरात करने के टाइम डराता है कि अगर सदका खैरात ज़्यादा करोगे तो कंगाल हो जाओगे गरीब हो जाओगे कपड़ा बनाने के टाइम शौक़ दिलाता अच्छे से अच्छा पहनो खाने के टाइम भी शौक दिलाएगा अच्छे से अच्छा खाओ खाने में कमी ना करो लेकिन जहाँ खैरात और सदक़े की बात आती है वहाँ शैतान इंसान के दिल में फ़कीरी और गुरबत का खौफ दिलाता है इसलिए अल्लाह रबालमी ने फरमा जो कुछ हमने तुमको रोज़ी दी है उसमें से खर्च करो मिन कबल आतीमौत मौत की घड़ी आने से पहले फैकुलरब बिलार तनी जब मौत की घड़ी आ जाती है और इंसान ने दुनिया में कुछ सदका नहीं किया होता है तो अल्लाह से क्या कहता है रब बिलातनी थोड़ी और मोहलत दे दे थोड़ी और मोहलत दे दे वासाको मिनसा लगे थोड़ी मोहलत दे दे मैं सदक़ा कर लूँ खैरात कर लूँ लोगों में से हो जाऊँ क्योंकि मरने के टाइम जब मौत का फरिश्ता सामने आ जाता है उसको मालूम हो जाता है अब ये सब कुछ हमसे छिन गया अभी हमारे हाथों से निकल गया ये माल ये दौलत ये गाड़ी और ये मकान ये कुछ भी हमारे साथ जाने वाले नहीं इसलिए दुनिया में तंदुरुस्ती के हालत में और ज़िंदगी जब तक बाकी है हमें अल्लाह के नाम में सदका व खैरात करते रहना चाहिए ये सोच करके कि चाहे हम कम दें या ज़्यादा दें वही हमारे साथ जाने वाला है इसलिए शायर ने कहा ना कुछ माल और दौलत न धन जाएगा न कुछ माल और दौलत न धन जाएगा फ़कत साफ तेरे कफन जाएगा जाहिर तौर से सिर्फ कफन जाता है लेकिन रूहानी एतबार से और अमल के एतबार से वो सदका तो खैरात भी हमारे साथ जाते हैं जो अल्लाह के नाम हमने दिए हैं अल्लाह की मर्ज़ी के मुताबिक हमने खर्च किए हैं अल्लाह से दुआ है कि रबालमी हमारे दिनों से दुनिया की महब्त कम कर दे और हमें आखिरत की तैयारी करने की तोफ़ीकदा फरमा ईमान के साथ मोत नसीनबी करीम वरह